हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पर्श हैक्स। मेरा नाम है स्पर्श महाजन। रिसेंटली मैंने ये आयरन मैन का पेंसिल बॉक्स बनाया, और वो भी टूथपेस्ट के बॉक्स से। इसके अंदर यहाँ पे मैं अपने पेंसिल्स और मार्कर्स स्टोर कर सकता हूँ, और यहाँ पे टू ड्रॉर्स भी हैं छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक सुपर हीरो पेंसिल बॉक्स कैसे बनाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। मैंने एक एम्प्टी टूथपेस्ट का बॉक्स लिया है और इसके साइड को यहाँ से ऐसे ओपन कर लिया है। मैंने इसे पूरा ओपन कर लिया है। अब मैं इस पर ग्लू लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की शीट ली है, और अब मैं इसको इसके सेंटर में पेस्ट कर दूंगा। इसके जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको हम कट कर लेंगे। ऐसे ही हम इसकी अंदर वाली साइड पे येलो पेपर पेस्ट करेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं इसके ऊपर आयरन मैन पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने आयरन मैन को पेस्ट करके उसके नीचे स्पर्श हैक्स भी लिख दिया है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए मैं इसके ऊपर सेलो टेप लगा रहा हूँ। मैंने इसके दोनों साइड पे टेप लगा ली है। अब मैं इस पे एक मैच बॉक्स का साइज ले रहा हूँ। अब मैं इस पार्ट को कट कर रहा हूँ। मैंने एक मैच बॉक्स लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप कट की है, जिसको मैं ऐसे पेस्ट करूँगा। इसके फ्रंट वाले पार्ट पे मैं सिजर्स से इसमें एक होल कर रहा हूँ। हमने पेपर की एक पतली सी स्ट्रिप ली है और उसको टेप से कवर कर लिया है। इसको हम सेंटर से फोल्ड करके जो हमने होल किया था उसके अंदर ऐसे डालेंगे। थोड़ा सा पार्ट छोड़ के हम अंदर वाले पार्ट को पेस्ट कर लेंगे। मैंने एक येलो कलर का पेपर का पीस लिया है जो इसके साइज का है, और मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप देखो तो मेरी एक ड्रॉर रेडी हो गई है। ऐसी मैंने एक और ड्रॉर भी बना ली है। मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया और उसके फ्रंट पे एक ब्लू पेपर पेस्ट कर लिया है। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब मैं वन ड्रॉर लूंगा और इसे यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। मैंने एक और कार्डबोर्ड लेकर उस पर येलो पेपर पेस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं इसको वन साइड पे यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। मैंने इसके अंदर से दोनों ड्रॉर्स निकाल लिए हैं। अब मैं इसको पेस्ट करने वाला हूँ। मेरा बॉक्स रेडी हो गया है। इसकी लिड को क्लोज करने के लिए मैंने इसके वन साइड पे वेलक्रो लगा ली है, और मैं दूसरी साइड पे भी लगा रहा हूँ।
फ्रेंड्स, मेरा पेंसिल बॉक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। मैं इसे यहाँ से ऐसे ओपन कर सकता हूँ और यहाँ पे ये 2 ड्रॉर्स हैं। अरे, मैंने स्टेपलर तो रख लिया, लेकिन स्टेपलर की पिन्स भी तो रखनी पड़ेंगी। यहाँ पे मैं 3 स्टेपलर पिन्स रख रहा हूँ। और मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सेसरी है, वो है मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास। अरे मैम, पेंसिल बॉक्स बिल्कुल रेडी है, लग रहा है ना ये बहुत ऑसम। आप भी अपने घर पे ये बनाओ और फोटोज मेरे साथ शेयर करो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।